Everyone, good afternoon and welcome back to the Byju's Exam Prep YouTube channel. And this is Toshiba Shukla, your paper 1 faculty for UGC NET JRF. So, jaldi se aa jaiye and join me quickly. Let me know whether the voice, video, PPT, everything is fine. Aapko acche se dikhai de raha hai, sunai de raha hai. All the technical parameters are right in place so that we can quickly start this marathon session on environment protocols. So environment, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है आपके पेपर वन में यूनिट 9, यू मस्ट बी नोइंग बाय नाउ. एंड सबसे कठिन इसमें सबसे दिक्कत जो बच्चों को आती है दैट इज इन द टॉपिक ऑफ प्रोटोकॉल्स, राइट. सो क्योंकि काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम स्टॉकहोम 72, then we come to 87, right, then we come to 1992 earth summit, iske alawa CBD hai, Kyoto hai, UNFCCC hai, UNCCD hai, so many protocols, but hame inko revise karte rehna hai. Aasan hai, but only thing is we have to keep them revising with the years. Aur ye kab aaye hain, kyun aaye hain, inka purpose kya hai, so on and so forth, right. So let me see. You just finished your ICT marathon, Sonal. Very nice, very nice. Soumya, hi. Hi, Sneha. Hello, Priya, Pooja, Kulvinder. जल्दी से आते जाओ, जल्दी से आते जाओ. हम दो मिनट में स्टार्ट करेंगे. जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, मैम आप चश्मा क्यों नहीं पहनते हो? मुझे जैसे मैं पहले मुझसे ऐप में बच्चे पूछा करते थे, मैम आप चश्मा ऐप में नहीं पहनते हो, आप यूट्यूब में पहनते हो. सो आई यूज़ टू से कि ऐप वाले बच्चे बहुत क्लोज हैं, यू नो आई डोंट नीड चश्मा टू सी देम. बट अब मुझे लगता है यूट्यूब भी वैसे ही हो गया, नहीं ऑल वी आर बिकमिंग अ फैमिली, तो मुझे बिना चश्मे के भी आप लोग दिख जाते हो. चिंता मत करो, आई जस्ट नीड यू टू गिव क्विक राइट करेक्ट आंसर्स. टेलीग्राम ग्रुप हमारा फिर से एक बार देख लो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है. इट्स पेपर वन बाय तोशिबा गुलशन मैम एंड निशान सर. माई क्लासेज ऑन यूट्यूब आर मंडे वेंसडे फ्राइडे. आज है शुक्रवार, तो हम आज मिल रहे हैं. संडे को भी क्लास है, बहुत अमेजिंग. अभी आपका दोनों दिन वीकेंड हमारे साथ बीतने वाले हैं, सैटरडे और संडे, राइट. कंटिन्यूस मैराथन चलेगी सुबह से लेकर शाम तक. मेरी क्लास उसमें होगी 6 बजे शाम को, राइट. सो डू ज्वाइन दैट क्लास एज वेल. लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जैसे कि हमेशा करते हो, अभी भी कर देना. लाइक करना सेशन को, शेयर करना और कॉमेंट भी करना, ठीक है. चलिए, सो जल्दी से एक बार हम मोटिवेशनल थॉट देख लेते हैं. इन केस यू नीड सम मोटिवेशन टुडे, यू मस्ट टेल योरसेल्फ नो मैटर हाउ हार्ड इट इज और हाउ हार्ड इट गेट्स, आई एम गोइंग टू मेक इट. अपने आप को बार बार ये चीज बोलते जाओ कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि अभी कितना कठिन है या आने वाले समय में कितना कठिन होगा. आई विल मेक इट, आई विल डू इट, और मैं इस चीज़ को कर लूँगा या कर लूँगी. नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, राइट. सो अभी आपको डेली रिमाइंडर की ज़रूरत है खुद से, और अगर आपको खुद से नहीं मिले तो ऑफकोर्स यू कैन कम टू मी, आई विल ट्राई टू गिव यू सम मोटिवेशन. क्लियर, क्लियर. चलिए, सो एवरी वन इज़ हेयर. हाँ, एडमिट कार्ड आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, चिंता मत करो. अभी फ़िलहाल बोलते ना कर्म करो, कर्म प्रधान रहो. एडमिट जैसे डेट्स के लिए आप परेशान हो रहे थे, डेट्स आ गई फाइनली, एडमिट कार्ड के लिए परेशान हो रहे हो, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा. एग्जामिनेशन करवाना है उनको तो वो एडमिट कार्ड भी आपको देंगे, राइट. सो डू नॉट वरी, इट विल बी कमिंग इन अ वाइल. चलो जल्दी से स्टार्ट करें. एवरी वन एक बार थम्स अप कर दो. येस मैम, वी आर रेडी एंड वी आर रेडी टू स्टार्ट द सेशन. तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं. प्लीज़ अगर लाइक और शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर देना क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि सारे के सारे प्रोटोकॉल्स रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है. सो सबसे पहले आई हैव डिवाइडेड द क्लास इन अ फॉर्म दैट हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वील ट्राई टू स्टडी MDGs, ठीक है, SDGs, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. मैं आपको पॉइंटर्स बता रही हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपको CBD पढ़ना है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आपको अर्थ समिट पढ़ना है. अर्थ समिट्स कौन कौन सी होती हैं, 3 अर्थ समिट यूजफुल हैं 1992, दैट यू हैव टू डू. जो अर्थ समिट्स हुई हैं तीनों ही आपको पता होना चाहिए विद देयर नेम्स, 1992, 2002 और 2012. फिर आपको क्या पढ़ना है, अर्थ समिट के अंदर जो रफू हुआ था RAF, रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21 और फॉरेस्ट प्रिंसिपल. इसके अलावा इसमें कुछ बाइंडिंग कमिटमेंट्स भी थे. क्या क्या थे, UNFCCC, UNCCD और CBD.
ये भी पढ़ना है। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, हमें UNFCCC के सारे कॉप्स पढ़ने हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। सो व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी? UNFCCC की जो पार्टीज हैं वो हर साल बार बार अलग अलग जगह मिलती हैं, एंड जहाँ पे वो मिलती हैं वो उनका नाम हो जाता है उनकी मीटिंग का, राइट? सो आपको पेरिस पढ़ना है, आपको क्योटो पढ़ना है, ठीक है, आपको बीच में अगर दोहा में वो मिले हैं तो क्या किया, बाली में मिले हैं तो क्या किया, माराकेश अग्रीमेंट क्या है उनका, माराकेश में कब मिले थे, पेरिस के बाद माराकेश में मिले थे, पोलैंड में कब मिले थे, राइट, कंकन में क्या हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कंकन में जब हुई थी, ऑल दीज थिंग्स, हाँ ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डू, सारा एक बार सारी एक पेपर में सारे प्रोटोकॉल्स लिख लेना। इसके अलावा आपको करना है बेसिल कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है, आपको करना है समथिंग रिलेटेड टू पॉप परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, इसके लिए कौन सा कन्वेंशन है जिसमें हम पढ़ते हैं डर्टी डजन से रिलेटेड, राइट? सो ये सारी चीज़ें हम आज रिवाइज करेंगे, ये एक इसके अलावा ऑफकोर्स यू नो मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल आपको पढ़ना है जो ओजोन के लिए है, फिर आपको पढ़ना है वियना कन्वेंशन, ये भी ओजोन के लिए है, फिर आपको पढ़ना है किगाली, ये भी ओजोन के लिए है। सो हमने शॉर्ट फॉर्म याद किया था VMK, VMK मतलब विमल कुमार एक लड़का है जो कि ओजोन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, राइट? सो VMK इज़ फॉर ओजोन। ऑल दीज थिंग्स, यस ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डू, हाँ रॉटरडैम भी करना है, स्टॉकहोम भी करना है, तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बस 45 क्वेश्चंस हैं, हमें सब कंप्लीट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, टाइमर आपको दिखेगा 30 सेकंड का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इनमें से कौन सा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है? इम्प्रूवमेंट इन मेटर्नल हेल्थ, अचीविंग यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ensuring environment sustainability, achieving universal primary education, आपको बताना है कौन सा MDG नहीं है। टाइमर शुरू हो गया है, जल्दी से आंसर करो। यस पढ़ना है बहुत सारा, पढ़ चुके हो, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, आपको बहुत सारा रिवाइज करना है, यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग जो भी आप पढ़ चुके हो। ओके सो यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन और हाइजीन आपको लग रहा है MDG का पार्ट नहीं है, बहुत ही सही, क्योंकि ये तो हम कहाँ पे आए थे, SDG में लेकर आए थे, याद है हमने वो कहानी पढ़ी थी राम और श्याम की हमने पढ़ा था कि जब श्याम स्कूल जाता है तो वो एक फॉर्मूला सीखता है M=W, मतलब Man=Woman, तो जब भी उसको प्यास लगेगी वो अपनी बहन को पानी लेने नहीं भेजेगा। Remember, we studied that. So that is very, very important. You have to know that it is a part of SDG, not MDG. Clear? MDG कितने हैं? You have 8 goals. MDG में 8 goals हैं और 21 targets हैं. ये सारे के सारे MDG हैं. Extreme poverty and hunger, achieving universal primary education, gender equality को promote करना. दोबारा से कहानी revise करते हैं. राम एक लड़का है, ठीक है, वो बहुत poor है, हमने उसको खाना दिया, हमने उसको पैसे दिए, क्योंकि वो पुअर था, उसके पास खाना नहीं था, तो हमने उसको खाना भी दिया, वो क्योंकि उसने खाना खाया, उसके पास पैसे आ गए, उसको अच्छा लगा, तो हमने उसको स्कूल भेजा। सेकेंड गोल इज एजुकेशन, वो स्कूल गया तो स्कूल में जाके उसने फॉर्मूला सीखा M=W, अब M=W उसने सीख लिया, मतलब Man=Woman, तो जो फोर्थ गोल है उससे क्या आएगा, उससे महिला आ जाएगी, मेन जो इस किरदार, जो एक मुख्य किरदार है इस कहानी का। अब ये बाकी के गोल्स, इट विल बी अबाउट द फीमेल। सो फीमेल सबसे पहले किसके बारे में सोचती है, अपने चाइल्ड के बारे में, है ना। सेकेंड चाइल्ड के बाद वो किसके बारे में सोचती है या उसे सोचना चाहिए, खुद के बारे में। तो इट वॉज रिगार्डिंग मेटर्नल हेल्थ, चाइल्ड अच्छा है, मेटर्नल हेल्थ के बारे में सोच लिया उसने, ठीक है, खुद भी वो स्वस्थ है, फिर वो किसके बारे में सोचेगी, अपने परिवार के बारे में। सो ऑल द डिजीजेस कम्बैटिंग HIV, मलेरिया एक्सेट्रा। फिर जब उसने परिवार के बारे में भी सोच लिया, बच्चे के बारे में सोच लिया, अपने बारे में सोच लिया, फिर वो बाहर जाएगी, वो एनवायरमेंट के बारे में सोचेगी। एनवायरमेंट के बाद, सिंस शी इज डन विद द एनवायरमेंट एज वेल, शी विल नाउ नीड अ ब्रेक, वो वर्ल्ड टूर पे जाएगी और वो ग्लोबल पार्टनरशिप करेगी, ठीक है। ये एक छोटी सी कहानी थी जो हमने पढ़ी थी, इससे आपको 8 MDGs याद होंगे, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB के नए MD कौन है? ये बहुत ही रीसेंट है, ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर।
टाइम शुरू होता है अब. सो इट्स इट्स अ करंट अफेयर काइंड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, आप इसको करंट अफेयर की तरह ले सकते हो. साम्या, लिजिया, नुरोहो, वुचुंग, ओम या नन ऑफ दीज. क्विकली क्विकली. यस, जल्दी बताओ. विच हु अमंग देम हैव बीन अपॉइंटेड रिसेंटली? एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया. ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, इनके आपको हेड्स पता होने चाहिए. येस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, वुचुंग ओम. फाइन, सो ही इज फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ कोरिया और वो हाल ही में नए MD की तरह नियुक्त हुए हैं ADB के. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी गोल्स एंड टारगेट्स? SDG में आपको बताना है कितने गोल्स और कितने टारगेट्स हैं. टाइम स्टार्ट्स नाउ. बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो. यस, वेरी नाइस वेरी नाइस. क्विकली, वी हैव टू सॉल्व मोर देन 45 क्वेश्चंस. तीसरे क्वेश्चन पे आए हैं. जितनी ज़्यादा स्पीड आप जल्दी जल्दी करोगे उतने ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. वेरी नाइस वेरी नाइस. कितने गोल्स हैं, कितने टारगेट्स हैं? ओके, अभी भी जो बच्चे सी बोल रहे हैं बहुत ही गलत बात है. या तो पुराने क्वेश्चन का सी बोल रहे होगे, थोड़े से आंसर्स शायद मुझे लेट मिल रहे हैं. राइट, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज व्हाट? दे आर 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स. ठीक है, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज 2030 एजेंडा. 2030 एजेंडा कब से कब तक टाइमलाइन है? इनकी टाइमलाइन है 2050 से 2030. ठीक है, MDG की टाइमलाइन थी 2000 से लेके 2050. फाइन, सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल? इसमें से कौन सा MDG नहीं है? इराडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, अचीविंग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टैलिटी, एंश्योरिंग एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यस, जल्दी से आंसर करो. कौन सा MDG नहीं है आपको बताना है. वेरी नाइस वेरी नाइस. यस, यू ऑल नाउ नो ऑल दीज स्मॉल डिटेल्स. ठीक है, यही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं UGC में. हम कई बार बहुत सारा पढ़ लेते हैं, बट देन वी गेट कन्फ्यूज रिगार्डिंग ऑल दीज स्मॉल थिंग्स. चलिए, वेरी नाइस. बहुत आसान क्वेश्चन था. सब डी बोल रहे हो, सब डी बोल रहे हो. बिल्कुल डी इसका सही आंसर है. पोल नहीं आ रहा क्या? अगर पोल आए तो प्लीज़ पोल के थ्रू आंसर करो, क्योंकि एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी के बारे में हमने कुछ नहीं बोला है. हाँ, हमने SDG में जरूर थोड़ी सी बात करी है ग्रोइंग और कंजम्पशन पैटर्न्स और ग्रोइंग पैटर्न्स पे. राइट, बट यहाँ पे पावर्टी है, प्राइमरी एजुकेशन है, चाइल्ड मोर्टैलिटी है. और हेयर यू नो इट्स प्राइमरी एजुकेशन. याद रखना, SDG में जब हम आते हैं तो वो यूनिवर्सल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं. हम सबकी एजुकेशन एंड क्वालिटी इंक्लूसिव एजुकेशन. राइट, MDG इज ओनली अबाउट प्राइमरी एजुकेशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर द गोल 2 ऑफ MDG, यूनाइटेड नेशंस मेंबर कंट्रीज वर टू इंश्योर दैट बाय 2015 चिल्ड्रेन एवरीवेयर, बॉयज एंड गर्ल्स, वुड बी एबल टू कम्प्लीट अ फुल कोर्स ऑफ वॉट. जो गोल 2 है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का, उसमें क्या बात करी गई है कि 2015 तक सब बच्चों को, ठीक है, क्या कंप्लीट करना है? प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, टर्शियरी एजुकेशन या स्किल बेस्ड एजुकेशन? सो ऐसे क्वेश्चन, हाँ, SDG की कहानी मैं रिपीट करवा दूंगी फिर से. दोबारा से अभी एक क्वेश्चन आएगा तो हम रिपीट कर लेंगे, क्योंकि वो 17 गोल्स हैं, थोड़ा सा उसमें समय लगता है. बट यस, वी विल रिवाइज इट. हाँ, ये क्वेश्चन सारे एग्जामिनेशंस के लिए यूजफुल है. नॉट ओनली फॉर UGC, बट इफ यू आर अपेयरिंग फॉर एनी अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, सबके लिए इंपॉर्टेंट है. द आंसर इज प्राइमरी एजुकेशन. यस, तो गोल 2 क्या है? अभी हमने पढ़ा SDG का. राम जो लड़का है वो, उसके पास पैसे नहीं थे, हमने उसको पैसे दिए, उसकी गरीबी हटाई. गरीबी हटी तो वो खाना खाने लग गया. ठीक है, खाना खाया तो ही स्टार्टेड फीलिंग वेल, उसको अच्छा लगा तो हमने उसको धक्का मार के कहाँ भेजा? स्कूल की, जाओ अब तुम पढ़ाई करो. सेकंड गोल जो है वो किससे रिलेटेड है? दैट इज़ यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन. अंडर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 5,
मेटर्नल मोर्टैलिटी रेशियो बिटवीन 1990 एंड 2015 हैज़ टू बी रिड्यूस बाय व्हाट परसेंटेज? जल्दी से बताओ इसका आंसर. तो आपको पता है एमडीजी में जो बेसलाइन ईयर दिया हुआ है, द बेसलाइन ईयर इज 1990. 1990 से हमें सारे लेवल्स मेजर करने हैं कि हमें 2015 तक, जब तक एमडीजी की टाइमलाइन है, तब तक कितना कम करना है. सो द बेस ईयर इज 1990. ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं. तो आपको बताना है मेटर्नल मोर्टैलिटी रेशियो MMR कितना कम करना है, हाउ मच इट हैज टू बी रिड्यूस्ड. यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. 75%, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. तो MMR क्या होता है, MMR क्या होता है, दो रेशियोज हमने पढ़े हैं, IMR पढ़ा है, MMR पढ़ा है, ठीक है. तो पहले जो महिला है वो किसके बारे में सोचती है, अपने बच्चे के बारे में. तो IMR, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेशियो, क्या है ये, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेशियो, ये होता है कितने बच्चे जन्म लेने के एक साल के इन अंतराल में उनकी मृत्यु हो जाती है. हाउ मेनी किड्स ऑन टेकिंग बर्थ डाई बिफोर दे रीच द एज ऑफ वन. सो दिस इज अ रेशियो दैट वी कैलकुलेट बेस्ड ऑन 1000. 1000 नीचे आता है डिनोमिनेटर में, कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है वो न्यूमरेटर में आता है. MMR होता है मेटर्नल मोर्टैलिटी रेट, मेटर्नल मोर्टैलिटी रेट, कितनी महिलाएं जन्म देते समय, कितनी महिलाएं जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो जाती है, वो भी हमें कम करना है 75% तक, जितना 1990 में था. इसको, ये भी एक रेशियो है, ये हम लेते हैं, इसके बेस में क्या होता है, 1 लाख, राइट. सो द बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर MMR इज 1 लाख, IMR में 1000 होता है. क्लियर, क्लियर, यस, वेरी नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आते हैं. Which of the following statement is incorrect about Sustainable Development Goal? SDGs के बारे में गलत कौन सा कथन गलत है किस संदर्भ में? SDGs are also known as Global Goals. There are 17 goals and 169 targets. It's a set of non-legally binding targets जो कि Rio+20 में agree किया गया था. मिनिस्ट्री ऑफ Environment, Forest and Climate Change हमारे देश में इसकी implementing authority है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ो, जल्दी से आंसर करो. यस, क्विकली क्विकली क्विकली, 2/3 एंड 3/4 ऐसे याद रखो, ठीक है. 2/3 कम करना है, वो 3/4 कम करना है. ओके, सो टाइम इज अप, टाइम इज अप. सी आपको लग रहा है गलत है, तो इसका आंसर डी है, ठीक है. डी गलत है. सेट ऑफ नॉन लीगली बाइंडिंग टारगेट्स, यस, नॉन लीगली बाइंडिंग टारगेट्स तो हैं. सी आपको क्यों लग रहा है, बिकॉज आपको लगा होगा SDG जो हैं वो 2015 में आए थे, ठीक है. Rio+20 की हम बात कर रहे हैं. व्हेन डिड रियो हैपेंड, रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में, +20 हुई थी कब, उसके 20 साल बाद, मतलब ये हुई थी 2012 में, ठीक है. 2012 में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कही गई थी. इट वॉज सेड दैट फाइनली आफ्टर लाइक यू नो 2 or 3 years हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाएंगे, इसलिए इसका जो एक बैकग्राउंड है वो 2012 में रखा गया था. सो दिस इज राइट, वेर एज डी इज रॉन्ग, ठीक है. हमारे यहाँ नीति आयोग इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है. नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. आपने SDG के इंडेक्स भी देखे होंगे, SDG इंडेक्स जो रिलीज करता है नीति आयोग, है ना. मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी याद करने के लिए इन वन ऑफ द शॉर्ट वीडियो. इंडेक्स इज ऑल्सो रिलीज बाय नीति आयोग. सो हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी SDG की नीति आयोग है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका थीम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा. ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है. UN हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में ये शुरू हुआ था, ठीक है. 193 मेंबर नेशंस ने ऑफिशियली इसको अडॉप्ट कर लिया है. तो ये पर्यावरण मिनिस्ट्री नहीं है, नीति आयोग है, ठीक है, क्लियर है. ऐसी इन्हीं को हम बोलते हैं छोटी मगर मोटी बातें, जो कि हमें लगता है कि नहीं ये सही होगा पर्यावरण, क्योंकि देखिए SDG जो है सिर्फ पर्यावरण से रिलेटेड नहीं है. देर कुड बी 1 or 2 गोल्स दैट आर रिलेटेड टू एनवायरमेंट, बट इट्स अ होल फुल फ्लेज्ड गोल्स. यू हैव वुमेन एम्पावरमेंट, यू हैव क्लीन एनर्जी, यू हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एवरीथिंग. सो दैट्स वाई इट्स नीति आयोग, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विच वर अडॉप्टेड बाय द UNO इन प्लेस ऑफ MDG एम्स टू अचीव द 17 गोल्स बाय द ईयर. बहुत लड्डू क्वेश्चन है.
बहुत लड्डू क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दो। पर कई बार इसमें भी गलती हो जाती है ना, पिछली बार मैंने ही गलत बोल दिया था सेशन में जल्दी जल्दी में। सो 2015 में शुरू हुए हैं, कब तक हमें अचीव करना है? वी आर ऑन द 8th क्वेश्चन, स्टिल सो मेनी क्वेश्चन टू गो। एक बार फिर से जल्दी से शेयर कर दो क्लास को, ठीक है? अगर शेयर नहीं करा है अपने वेरियस अदर ग्रुप्स पे, टेलीग्राम पे शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, सो दैट पीपल कैन ज्वाइन इट। ओके, वेरी नाइस। द आंसर इज 2030। तो इसका टाइमलाइन अब तो हमको रट गया है, 2030 तक हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये कौन से रेजोल्यूशन है? इट्स अ पार्ट ऑफ रेजोल्यूशन 71 ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं अगर उनको थोड़ा सा टफ पूछना है। यूनाइटेड नेशंस की जब भी मीटिंग होती है मेंबर स्टेट्स की, तो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है? सो ये जो SDG था, ये रेजोल्यूशन था 70/1, फाइन। सो इसमें 17 गोल्स हमने अडॉप्ट किए थे। इफेक्ट में कब आए थे? साइन किया था 2015 में, बट ये लागू हुए थे 2016 जनवरी। जनवरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में ये भी पूछते हैं, व्हेन डिड दे कम इनटू पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये सारे SDGs हैं। इफ़ यू वॉन्ट आई विल रिवाइज क्विकली। सबसे पहले 17 गोल्स हैं, हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका, हाँ, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? पावर्टी। एक लड़का है श्याम, वो गरीब है, वो गरीब है। हमने उसको पैसे दिए, पहला गोल, क्योंकि वो गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास खाने को नहीं था। दूसरे गोल में उसने खाना खा लिया, क्योंकि हमने उसको पैसे दिए, क्योंकि उसने खाना खाया। जब भी हम खाना खाते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं, हमको कैसा लगता है? बढ़िया। अभी तो एकदम आलस आ रहा है, एकदम। जब वी ईट गुड फूड, हमें अच्छा लगता है, वी फील गुड, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। थर्ड गोल इज़ गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अगर हमें गुड हेल्थ लगती है, वी आर फीलिंग फाइन, तो हमें क्या ज़बरदस्ती घर वाले भेज देते हैं कि भैया जाओ, तुम्हारी तबीयत वबीयत बढ़िया है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, स्कूल जाओ। तो हम स्कूल चले जाते हैं, चौथे गोल में हम स्कूल चले गए। अब हम स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाके हमें एक फॉर्मूला सिखाते हैं, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू। एम इज इक्वल टू डब्ल्यू मतलब जेंडर इक्वालिटी। वहाँ हमने ये फॉर्मूला सीखा, श्याम ने भी फॉर्मूला सीखा। श्याम गरीब था, ठीक है, उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद उसको अच्छा लगा, अच्छा गया लगा तो वो स्कूल गया। स्कूल जाके उसने एम इज इक्वल टू डब्ल्यू सीखा। एम इज इक्वल टू डब्ल्यू सीखा तो उसको जब भी अगली बार प्यास लगेगी, वेन एवर ही विल फील थर्स्टी, ये कभी भी अपनी बहन को पानी लेने नहीं भेजेगा। क्या लेने नहीं भेजेगा? पानी, खुद पानी लेने जाएगा। तो 6th गोल इज क्लीन वाटर। अब पानी आ गया, पानी से हम क्या कर सकते हैं? यस, पानी से हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी बनाते हैं। पानी से जनरली आपको पता है इंडिया में भी हाइड्रो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी से हमने एनर्जी बनाई। 7th गोल इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अगर हमारे यहाँ एनर्जी सरप्लस है भारत में, वी आर एनर्जी सरप्लस नेशन, तो हम क्या देखते हैं? एनर्जी से क्या मिलती है? ग्रोथ। एनर्जी से क्या मिलती है? ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ हमें मिल गई, अगर हमारे पास ग्रोथ है, हमारा देश बढ़ रहा है, GDP बढ़िया बढ़ रही है, तो क्या होगा? अभी आपने देखा, अगर इंडिया की GDP बहुत अच्छी है, तो आपने देखा टेस्ला की फैक्ट्री लग गई, प्रोबेबली एप्पल का शोरूम आ गया, यहाँ पे फैक्ट्री लग गई। तो ग्रोथ से हमेशा इंडस्ट्री आती है, ग्रोथ से इंडस्ट्री आती है। इंडस्ट्री आती है तो इंडस्ट्री हम सोचेंगे हम कहाँ लगाएं, ठीक है। गोल 9 इंडस्ट्री हो गया। इंडस्ट्री में दिक्कत है कि लगाएं कहाँ, तो एक दिक्कत होती है, उसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी की दिक्कत। इंडस्ट्री से होती है इनइक्वालिटी की दिक्कत। अब इनइक्वालिटी भी चलेगी, हमें पता चल गया, चलो यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं। अब इंडस्ट्री लगी, ठीक है, इंडस्ट्री लगी, तो इंडस्ट्री से क्या होता है? टेल मी वॉट इंडस्ट्री ब्रिंग्स विथ इट। अगर आपके पास कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो लोग काम करेंगे, फैक्ट्री में जो काम करेंगे उनके साथ उनकी फैमिली आएगी, लोग आएंगे। सो इंडस्ट्री से क्या होता है? इंडस्ट्री से लोग आते हैं। लोग आते हैं तो वो सिटी में रहते हैं, जैसे NTPC है, NTPC की कॉलोनी बन जाएगी अगर वहाँ पे इंडस्ट्री है तो। सो 11th गोल इज रिगार्डिंग सिटी। अब लोग आ गए, लोग रह रहे हैं, आपको पता है जब भी लोग रहते हैं, लोग क्या करते हैं? कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, लोग खाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं। तो 12वां गोल, अब लोग अगर खा रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्लाइमेट चेंज तो होगा ही होगा। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन और कंजम्पशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, तो क्लाइमेट चेंज होगा। और गोल 13 है क्लाइमेट चेंज, याद रखना 13 से, ये भी याद रखना कि 13 से क्लाइमेट चेंज है। फिर 14 और 15, 14 और 15 क्या है? दो एक साथ याद रखना। याद रखना, पहले इस पूरे यूनिवर्स में, अर्थ में, पहले पानी आया था, फिर लैंड आया था,
ठीक है, सो 14 इज लाइफ बिलो वॉटर, 15 इज लाइफ ऑन लैंड. ठीक है, लास्ट में क्या है, लास्ट में दो गोल्स हैं. जैसे वहाँ पे जो हमारी महिला कैरेक्टर थी वो कहाँ गई थी, घूमने चली गई थी. यहाँ पे एवरीथिंग इज सॉर्टेड, नाउ वी वांट पीस. हमें पीस और जस्टिस सही चाहिए, वो भी मिल जाएगा तो हम वर्ल्ड टूर पे चले जाएंगे ग्लोबल पार्टनरशिप में. क्लियर क्लियर क्लियर, एनी डाउट? हमने आपको पूरा SDGB ट्रिक के साथ रिवाइज करवा दिया, रादर देन अ सेपरेट वीडियो आपको इसमें याद हो गया. तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, वी ओनली हैव 730 लाइक, इट्स नॉट फेयर. राइट राइट, रिविजन हो गया. चलिए बहुत बढ़िया, आप नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर फॉर्मली नोन एज वॉट? अभी मैंने बताया आपको, जल्दी से बता दो, टाइमर स्टार्ट हो गया है. अब शिवांग चावला बोल रहे हैं 169 टारगेट पे रिवाइज करवा दे. शिवांग चावला जी, साष्टांग प्रणाम आपको. 169 टारगेट्स कोई पढ़ के नहीं जाएगा, अगर पढ़ना भी पड़े तो फिर इतना तो पढ़ना बेकार है, छोड़ देना वो क्वेश्चन. इतनी एनर्जी बैंडविड्थ नहीं है आपके पास, पेपर वन पेपर टू करना है. 169 टारगेट्स करके जाओगे तो सिर्फ MDG और SDG पढ़ते रह जाओगे पूरी उम्र भर. ठीक है, गोल्स पढ़ो, गोल्स अच्छे से याद कर लो, MDG और SDG के, दैट्स मोर देन सफिशेंट. फाइन फाइन, यस, चलिए चलिए, वेरी नाइस वेरी नाइस. सो द आंसर इज ए, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का दूसरा नाम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द सेकेंड एडिशन ऑफ SDG गोल इंडेक्स 2019? हमारे देश में कौन सी संस्था ने इंडेक्स रिलीज किया है 2019 का, अभी बताया था कुछ देर पहले. यस यस, क्विकली क्विकली एवरीवन, ये मैराथन सेशन है इसलिए स्पीड भी मैराथन जैसी है, फिर भी देखिए हम क्योंकि समझा भी रहे हैं आपको थोड़ा सा, तो 10वें क्वेश्चन पर ही आए हैं. नाउ आई विल इंक्रीज माई स्पीड, आई हैव टू कवर 40 क्वेश्चंस एंड आई विल इंक्रीज माई स्पीड नाउ. चलो तो इसमें तो आई गेस आपका डी तक ही ऑप्शन होता है पोल में, है ना? ऐसे बता दो, ऐसे ही बता दो. यस, द आंसर इज ई, क्योंकि पोल में ई नहीं होता तो जल्दी से देख लेते हैं. नीति आयोग इंडेक्स रिलीज करता है, याद रखना. नीति आयोग के जब वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी थे, CEO आपको पता है अमिताभ कांत हैं, उन्होंने रिलीज किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, आपको बताना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में कुछ सही बातें, कौन सा करेक्ट है. SDG वर फर्स्ट प्रपोज इन 1972. क्या पहली बार SDG 1972 में प्रपोज किए गए थे? एक थिंक टैंक था जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम. सेकेंड स्टेटमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर लीगली बाइंडिंग ऑन मेंबर नेशंस. क्या ये लीगली बाइंडिंग है, बाध्य होते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैव टू बी अचीव बाय 2030. क्या इनको हमें 2030 तक अचीव करना है? ठीक है, हाँ, मुझे आंसर्स लेट मिल रहे हैं, सो आप जल्दी से इंग्लिश में देख लो, हिंदी में देख लो. And your time starts now. Quickly, quickly, very important question. हाँ, मैंने खुद बता दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें करना है, आपको पता है. और anyway आप लोग बोलते मैम ई ऑप्शन नहीं है, राइट? यस यस, वेरी नाइस वेरी नाइस. ओके ओके, सो यू थिंक सी, ओके, चलिए एक बार और इंग्लिश में देख लो, एक बार और इंग्लिश में देख लो. सबको सी लग रहा है, सब भेड़ चाल चलोगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है. तो इसका आंसर सी है, सतत, बिल्कुल सही बात है. क्लब ऑफ रोम ग्लोबल थिंक टैंक ने प्रपोज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं किए थे, उन्होंने बात करी थी सस्टेनेबिलिटी के बारे में. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? 1972 में जब एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का भी यही समय था, ठीक है, इस टाइम क्या हुआ था, क्लब ऑफ रोम एक थिंक टैंक था, उन्होंने एक बुक के बेसिस पे जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ, दे प्रपोज्ड अबाउट सस्टेनेबिलिटी बट दे डिड नॉट प्रपोज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. ठीक है, और तीसरा सेंटेंस बिल्कुल सही था, 2030 तक अचीव करना है, एंड एज पर द UN असेंबली 193 मेंबर नेशंस हैव अडॉप्टेड. सो ये आप देख सकते हैं कानूनी रूप पे बाध्य नहीं है, तीसरा सेंटेंस सही है. ठीक है, चलो वेरी नाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, विच वन इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ MDG? MDG का इंडिकेटर कौन सा नहीं है? शेल्टर फॉर ऑल, चाइल्ड मोर्टैलिटी, अचीविंग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, इराडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर.
क्विकली वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. ब्रंटलैंड रिपोर्ट 78 में नहीं आई थी, 87 में आई थी. फैक्ट्स फैक्ट्स चेक करें, ठीक है. 87. सो आपको कुछ साल बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है. ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड जो नॉर्वे की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, उनके द्वारा आया था, सॉरी प्रधानमंत्री थी. हाँ जी, चलिए चलिए. वेरी नाइस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, शेल्टर फॉर ऑल नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं, हम कर चुके हैं बहुत बार. चलिए अब CBD पे आ जाते हैं. MDG SDG हमने काफ़ी रिवाइज कर लिया है, अब CBD पे आते हैं. CBD का फुल फॉर्म क्या है? पहला क्वेश्चन इज लड्डू क्वेश्चन, ठीक है. पहला क्वेश्चन इज द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन, तो जल्दी से आंसर करो. यस, वी हैव मोर देन 1000 पीपल वॉचिंग बट वी हैव ओनली 700 लाइक्स, ठीक है. ये तो बड़ी नाइंसाफी है, और लाइक्स बढ़ा दो इफ यू आर लाइकिंग द सेशन. यस यस, वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, ओनली 58% पीपल गेव द राइट आंसर एज ऑफ नाउ. नो, आई गेस इट्स फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन. ठीक है, चलिए. द आंसर इज ए, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. CBD क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. दिस वॉज अगेन ब्रॉट इन 1992. 1994 में ये लागू हो गया था. 1992 में साइन हुआ था, 1994 में लागू हो गया था. जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में है ये. जेनेटिक रिसोर्सेज, जेनेटिक डाइवर्सिटी का फेयर एंड इक्विटेबल यूटिलाइजेशन, फेयर एंड इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है. क्लियर है? यस, कोई बात नहीं. पोल लेट आ रहा है, आप ऐसे ही आंसर दे दीजिएगा. कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो भी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, ठीक है. आपको बताना है क्या है. फुल फॉर्म पहले आपने बता दिया, अब मुझे बताओ व्हाट एग्जैक्टली CBD इज. क्या ये लीगली बाइंडिंग है? क्या इसमें प्रोविजंस हैं अबाउट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज? क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? वेरी नाइस वेरी नाइस, सबको सब पता है ना, CBD लीगल है. याद करो याद करो, हमने पढ़ा था CBD लीगल है. तीन लीगल लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट्स थे, तीन नॉन लीगल बाइंडिंग थे. क्योंकि वो लीगली बाइंडिंग थे तो CBD के दो बच्चे भी थे, याद है आपको? दो बच्चे थे, क्योंकि ऑफकोर्स शादी हो गई है, लीगल बाइंडिंग है तो ही तो ना बच्चे होंगे. सो CBD के कौन कौन से दो बच्चे थे? बच्चों को क्या पसंद है? कार्टून नेटवर्क. कार्टून नेटवर्क पसंद है. कार्टून नेटवर्क से क्या है? सी और एन, मतलब कार्टजीना और नगोया. कार्टजीना और नगोया. क्लियर क्लियर, यस वेरी नाइस. तो इसका आंसर है दोनों. ये लीगली बाइंडिंग है, बिल्कुल सही है. तभी हमने इसको इसके तहत बायोडाइवर्सिटी एक्ट बनाया है, लाया है अपने देश में. इट हैज़ प्रोविजन दैट इज रिलेटेड टू जेनेटिक रिसोर्सेज. यस, बोथ आर करेक्ट. क्लियर. USA इज नॉट अ पार्टी टू इट, बहुत अच्छे से याद रखना. फूफा जी इज क्वाइट डिटर्मिंड, ठीक है. काफ़ी कंसिस्टेंट है हमारे फूफा जी. हर किसी अग्रीमेंट में ये नहीं होते हैं. तो CBD पार्टी, USA इज नॉट अ पार्टी टू CBD. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. CBD एम्ड एट सस्टेनेबल यूज. CBD एम्ड एट what sustainable use of components of biological diversity and conservation of biological diversity. It emerged at what? आपके पास पांच options हैं, ठीक है. कहाँ पे ये आया था? This is in English. हाँ, very nice. Cartagena Nagoya 2003-2010 में लागू हुआ था. Cartagena आया 2000 में था, but 2003 में लागू हुआ था. Yes. इसको हिंदी में देख लेते हैं. Again, timer is turned on. CBD आपको बताना है कहाँ पे निकला था. When it was given birth in which conference? Yes, yes. Whoever you are, someone was asking any something, some doubt regarding the app or classes, please ask after the session. Comment section में लिख के पूछ लेना. Yes, very nice, very nice. क्या बात है, सबको पता है, सबको पता है. चलिए चलिए. सो इंग्लिश में भी आपने देख लिया होगा. ये जो CBD आया था, उभर कर आया था, ये आया था ए में. मतलब 1992 की जो अर्थ समिट थी, लीगली बाइंडिंग थे CBD, UNFCC, UNCCD. ये सिग्नेचर के लिए खुला था 5th जून
1992, फोर्स में आया था 29 दिसंबर 1993, इसको हम लागू 1994 से भी मानते हैं, कई जगह 1994 दिया हुआ है, फाइन। चलिए, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज रैटिफाइड इन विच ईयर, सीबीडी कब रैटिफाई हुआ था? आपके आपका टाइमर शुरू हो गया है, ऑप्शंस दिए हैं 1971, 1974, 1973, 1990, कब सीबीडी को रैटिफाई कब किया था? देखो दो चीज़ें होती हैं, साइनिंग करना और रैटिफाई करना, ये मैं दो बार आपको बता चुकी हूँ। साइन मतलब क्या होता है, आपने शादी के लिए लड़का या लड़की चुन लिया है, आपको लड़का आपको बॉय या गर्ल पसंद आ गया है, बढ़िया है, बढ़िया बात बात कर लिया आपने कि हाँ अब तुम्हारे साथ ही जीवन बिताना है, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो सब, तुम ही हो, ठीक है। बट तब भी ये लागू नहीं होगा क्योंकि आपको रेटिफाई करना पड़ेगा। रेटिफाई कब होता है, जब आप जाके उसको एक आधिकारिक स्टैम्प लगाओगे, परिवार के पास जाओगे, ठीक है, आप परिवार में मम्मी को मनाओगे, पापा को मनाओगे, पता नहीं हो सकता है अपने दादा दादी को भी मनाओ, चाचा चाची को मनाओ, बड़ा टाइम लगता है। जनरली आपने देखा होगा कोई भी प्रोटोकॉल जो है 2 साल बाद रेटिफाई होता है, क्योंकि मान लीजिए 193 कंट्रीज़ हैं, उसमें से एटलीस्ट कुछ कंट्रीज़ 50 या 55 कंट्रीज़ को मानना पड़ता है, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में इसको लाना पड़ता है। सो रेटिफिकेशन इज़ वैन यू इम्प्लाई इट इन योर डोमेस्टिक पॉलिसीज़। तो यही है शादी के साथ भी, खुद हाँ बोल के आ गए हो तो इससे कुछ नहीं होता, ठेंगा फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप अपने आके घरेलू मुद्दे में, जब तक अपने बैठ के अपना एक लीगल उसको आप रूप दे दोगे, सबकी हाँ सहमति ले लोगे, तब तो जाके आपका बैंड बजेगा, नहीं तो थोड़ी बैंड बज जाएगा अकेले आपके यहाँ बोलने से। तो ये होता है रेटिफिकेशन, ये होता है साइनिंग, ठीक है। यस, सो द आंसर इज बी 1994, जैसे मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट अर्थ समिट फॉर सीबीडी वॉज हेल्ड एट विच प्लेस, पहली अर्थ समिट कहाँ पे थी? दादा दादी को मनाने ऊपर जाएंगे, नहीं नहीं इतना नहीं मनाना है सबको, थोड़ा सा चिल हो गया है, जो अभी धरती पे लोग हैं उनको मना लेना, बाकियों का आशीर्वाद ले लेना, वही बहुत होता है, ठीक है। पता चला एक्साइटेड हो गए, मैम आई हैव प्लान्ड अ ट्रिप टू द स्वर्ग, टू व्हाई? क्योंकि मुझे दादा दादी को मनाना है शादी के लिए, नहीं ऐसा नहीं है। जल्दी से आंसर दो, कहाँ पे हुआ था पहला अर्थ समिट? रियो, जोहान्सबर्ग, देहरादून, न्यूयॉर्क। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। यस यस, ये तो लड्डू क्वेश्चन है ना, हलवा क्वेश्चन है। रियो में हुआ था, ब्राजील में पहली अर्थ समिट। सो लेट्स सी, फर्स्ट अर्थ समिट हुई थी, ये 152 नेशंस ने साइन करी थी। उसके बाद सेकेंड अर्थ समिट जो हुई थी, दैट वॉज कॉल्ड एज रियो प्लस 10, ये हुई थी जोहान्सबर्ग में, ठीक है। थर्ड समिट हुई थी रियो प्लस 20, देन अगेन दे केम बैक टू रियो। तो उनको लगा कि रियो रियो में फंस के रह गए, घूम ही नहीं पा रहे, जीवन के सुख ही नहीं ले पा रहे हैं, पहला हमने रियो में करा, दूसरा एक काम करते हैं कहीं और चलते हैं, जोहान्सबर्ग चले गए। वहाँ गए तो वहाँ पे तो क्या बोलते हैं इनका, उनको मज़ा ही नहीं आया, उन्होंने बोला नहीं रियो अच्छा था, कम से कम चीज़ें थी, घूम पा रहे थे। वापस से थर्ड रियो समिट में फिर से रियो आ गए। सो रियो, जोहान्सबर्ग, रियो, ठीक है, क्लियर है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन एम्स ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिनिमाइज करना ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट को, कंजर्व करना बायोडाइवर्सिटी को, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, डील विद रिड्यूसिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, या सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड्स। क्विकली क्विकली, यस यस, वेरी नाइस। ये है इंग्लिश में, यह है अंग्रेजी में, यह है हिंदी में, और यह है आपका टाइमर। फटाफट आंसर दो, फटाफट आंसर दो, जल्दी से आंसर दो, हमारे पास अभी भी 20 क्वेश्चंस हैं। आपका योगदान, आपका सपोर्ट रहेगा तो हम सब कुछ कर पाएंगे, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत है। यस यस, क्विकली, ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। द आंसर यू ऑल आर गिविंग इज परफेक्टली करेक्ट, द आंसर इज बी। जैव विविधता और जैव विविधता का सतत उपयोग के संरक्षण करना है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड मेकिंग द सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। दैट इज, अगर कोई बायोलॉजिकल रिसोर्स है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई GM क्रॉप बनाया, ठीक है, कोई आपने ऐसा कुछ किया जिसके थ्रू सबको फायदा होना है, किसान को भी, कंपनी को भी, लोकल पीपल को भी, तो ये हम ध्यान रखेंगे सीबीडी में,
ठीक है, रॉटरडैम कन्वेंशन जो है वो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट के लिए होता है, वैसे ही बेसिल कन्वेंशन है, बेसिल कन्वेंशन 1989 में आया था, वो भी हजार्डस वेस्ट के लिए है, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके लिए है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ये एक पॉप करके एक वर्ड है जिसमें जिसको हम बोलते हैं द डर्टी डजन। डर्टी डजन क्या होता है, ऐसे 12 पोल्यूटेंट्स हैं जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि फूड चेन में जाके सेटल हो जाते हैं, तो ये स्टॉकहोम कन्वेंशन उनके लिए आया था। वेटलैंड्स के लिए आपको पता है रामसार कन्वेंशन है, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड जितने भी हैं अभी हमारे भारत में। रामसार कन्वेंशन हुआ था साइन 1971 में, रामसार एक सिटी है ईरान में, ठीक है। भारत में अभी करंटली 46 वेटलैंड्स हैं, अभी 4 हाल ही में ऐड हुए थे, सो यू शुड बी नोइंग। भारत में भी फॉलो द वेटलैंड्स रूल, वेटलैंड का एक रूल्स फॉलो करते हैं दैट वर रिलीज इन 2017। पहले रूल आए थे 2010 में, 2017 में संशोधित रूल आए हैं। संशोधन में काफ़ी सारी चीज़ों को डाइल्यूट कर दिया गया है, प्रोविजंस को लेस स्ट्रिंजेंट कर दिया गया है, चीज़ें अब और ज़्यादा इजी हो गई हैं डेवलपमेंट के लिए, पहले ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे, क्लियर। सो इसके लिए हमने सारे ऑप्शंस भी रिवाइज कर लिए। 19 क्वेश्चन, इंडिया इनएक्टेड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 CBD को इफेक्ट देने के लिए, इसमें से कौन सा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का रिजल्ट नहीं है। बायोलॉजिकल फंड, बायोडाइवर्सिटी फंड है, पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, या नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है। सो सिंस इंडिया इज पार्टी टू CBD, इसको रेटिफाई करने के लिए, याद है घर में जाके हमें साइन कर कर आ गए, घर में आके रेटिफाई करना है, मम्मी पापा को मनाना है, तो इंडिया ने मनाया कैसे, BDA लाकर 2002। हमने बोला कि ठीक है हमने CBD साइन किया है, लीगल बाइंडिंग है वो, तो हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा घरेलू तौर पे, सो वी ब्रॉट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। अब इसका कुछ रिजल्ट्स हैं, क्या इसमें से उसका रिजल्ट नहीं है, ओके द आंसर इज डी, ठीक है, नॉट अ रिजल्ट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, बाकी सारे के सारे इसके रिजल्ट हैं। सो जो हमने बायोडाइवर्सिटी एक्ट हम लेकर आए हैं उसके तहत यू हैव नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बोर्ड होता है, मैनेजमेंट कमेटी होती है, पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर भी, भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रजिस्टर में सारी चीज़ें जो बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल द प्लांट्स, ऑल द एनिमल्स, एवरीथिंग इज लिस्टेड हेयर। हेरिटेज साइट्स भी है इसमें, नेशनल और स्टेट पे फंडिंग का भी है इसमें, एवरीथिंग इज देयर, बट यू डोंट हैव व्हाट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, अथॉरिटी है, बोर्ड नहीं है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। विथ रेफरेंस टू द CBD, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जल्दी से बताओ, बहुत आसान है, CBD के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। लीगली बाइंडिंग है, इसका सेक्रेटरीट कनाडा में है, मॉन्ट्रियल में, स्कॉप इज द गवर्निंग बॉडी, CBD का जो गवर्निंग बॉडी है वो कॉप है। 20th क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दो, यस यू हैव NBA एट द नेशनल लेवल, स्टेट बोर्ड्स एट द स्टेट लेवल, एंड देन यू हैव BMC जो कि आपके लोकल म्यूनिसिपल लेवल पे एक्ट करते हैं। जल्दी से बताओ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो आपको बताना है करेक्ट क्या है। वेरी नाइस, ओके, सो सबको लग रहा है सी, कुछ लोगों को लग रहा है डी, सारे के सारे सही हैं। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सब सही हैं। अगर आपको सी लगा तो आपको लगा दो गलत है, इसका सचिवालय मॉन्ट्रियल में है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, इसका सेक्रेटरीट मॉन्ट्रियल में है, तो जरूरी नहीं मॉन्ट्रियल, अगर आपने ओजोन के लिए पढ़ा है तो सिर्फ उसी के लिए होगा। CBD का सेक्रेटरीट भी मॉन्ट्रियल में है, फाइन, ये पहला तो आपको पता है करेक्ट है। और जो कॉप है, कॉप जनरली सबकी, UNFCCC की भी कॉप है जो सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, रूल्स पास करती हैं, सो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसकी भी हेड है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 फॉर्स कॉन्स्टिट्यूटेड टू फुलफिल विच ऑफ द फॉलोइंग, BDA जो आपने एक्ट भारत में आप लेकर आए हो वो भारत ने क्यों किया, किसको फुलफिल करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिशन 2030, CBD, UNFCCC या NAPCC, जल्दी बताओ, वेरी इजी क्वेश्चन।
यस प्लीज गिव द आंसर थ्रू द पोल। एमडीजी में प्रियंका प्राइमरी एजुकेशन की बात करी गई है, एसडीजी में यूनिवर्सल इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन की बात करी गई है। ठीक है, यस वेरी नाइस। द आंसर फॉर 21st क्वेश्चन इज सी, सीबीडी इसका सही आंसर है। ठीक है, हाँ तो एमडीजी एसडीजी में अंतर वही है, जैसे मैं कई बार बच्चों को बताती हूँ कि मान लीजिए आपने सिंपल राजमा चावल खाना है, ठीक है, आप किसी ढाबे में गए, आपने बोला हमें राजमा चावल चाहिए, आपको राजमा दे देंगे, चावल दे देंगे, आपका पेट भर जाएगा। वही सेम राजमा चावल आप किसी 5-star में जाके खाओगे एंड दे विल बी पुटिंग द सेम थिंग ऑन द मेन्यू एज वॉट, इट्स लाइक कुक्ड बीन्स सॉटे विथ फ्रेश गार्लिक पार्सले अलॉन्ग विथ स्टीम कुक राइस विथ अ डैश ऑफ लेमन, इतना ज़्यादा शूशां कर देंगे। तो वही एसडीजी में करा है, थोड़ा सा हर गोल में शूशां ज़्यादा है। ठीक है, जैसे एजुकेशन है तो वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, इट शुड बी इंश्योरिंग लर्निंग आउटकम्स फॉर एवरीवन। सो सारे गोल्स को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। फाइन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्टेजीना। अब हम आ गए हैं सीबीडी के बच्चों के बाद, मम्मी पापा चले गए हैं, अब हम आ गए हैं कार्टेजीना नगोया की तरफ। कार्टेजीना के बारे में आपको बताना है इनकरेक्ट क्या है। यू हैव बिन गिवेन 4 ऑप्शंस, जल्दी से इसका आंसर दो। यस यस वेरी नाइस वेरी नाइस। द आंसर फॉर 22nd क्वेश्चन, वी स्टिल हैव मेनी क्वेश्चंस टू गो। यस यस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इंग्लिश के बाद हिंदी भी देख लो जल्दी से, जैव सुरक्षा पर जो कार्टेजीना सम्मेलन है उसके बारे में गलत कथन क्या है। प्लीज़ क्वेश्चन का नंबर भी लिख के भेजो, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि आप पुराने वाले का आंसर दे रहे हो कि नए वाले का आंसर दे रहे हो। हाँ वेरी नाइस, इसका आंसर बिल्कुल डी है, इसका आंसर बिल्कुल डी है। नैरोबी में अंतिम रूप नहीं दिया गया था, बाकी सारे के सारे सही हैं। तो कार्टेजीना क्या है, मूवमेंट, वॉट एग्जैक्टली इट इज, यस सो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इसको हम बोलते हैं बायो सेफ्टी का भी प्रोटोकॉल है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोटोकॉल फॉर बायो सेफ्टी। ये सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट है सीबीडी का, ये मैंने आपको बताया था, ये दोनों ही सप्लीमेंट्री हैं, कार्टेजीना एंड नगोया। इंडिया, यस इंडिया इज अ पार्टी, बट ये गलत है, 1992 में नहीं आया था कार्टेजीना, 2000 और 2003 में ये लागू हुआ था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा क्वेश्चन नंबर भी लिख के मुझे आंसर देना ताकि मुझे पता चल जाए। द प्रोटोकॉल दैट रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कौन सा प्रोटोकॉल है जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करता है। क्योटो, वियना, मॉन्ट्रियल, कार्टेजीना। टाइम स्टार्ट्स नाउ, क्विकली क्विकली, एटलीस्ट वी विल डू 35 क्वेश्चंस, जल्दी से बताओ, 10 क्वेश्चंस का टारगेट और है। यस यस वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके सो 23rd क्वेश्चन का आंसर है, 23rd क्वेश्चन का आंसर है यस एग्जैक्टली। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि ग्रीन हाउस गैसेस के लिए यू हैव UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए है। उसके तहत जितनी भी पार्टीज हुई हैं, वो क्योटो हो, वो पेरिस हो, ये सब उसके तहत आता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, वेरी इजी। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, 1997 में साइन हुआ था, 2005 में इट गॉट इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, रेटिफाई होकर। ये कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था। क्योटो प्रोटोकॉल का सेकेंड कमिटमेंट पीरियड जिसको हम बोलते हैं दोहा अमेंडमेंट, ये हुआ था 2012 में। सो ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं, इसमें 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं। हाउ मेनी ग्रीन हाउस गैसेज आर देयर इन क्योटो, 6, वेरी नाइस। द किगाली अग्रीमेंट अमेंडेड विच प्रोटोकॉल, किगाली अग्रीमेंट ने कौन सा प्रोटोकॉल अमेंड किया था, वियना, नगोया, मॉन्ट्रियल या क्योटो। क्विकली, योर टाइम हैज स्टार्टेड, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जल्दी से आंसर दो। वेरी नाइस, आई एम श्योर आफ्टर दिस क्लास, आफ्टर दिस सेशन आपके काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स रिवाइज हो चुके होंगे, डाउट्स जा चुके होंगे, एंड यू विल बी बेटर प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। येस वेरी नाइस वेरी नाइस, 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं, दोहा कॉप 18, क्या बात है, सबको सब पता है। चलिए जी, किगाली ने बिल्कुल सी मॉन्ट्रियल को अमेंड किया है, हाल ही में इंडिया ने इसको रेटिफाई भी किया था।
इंडिया को कम करना है 2047 तक अपना HFC। तो किगाली किसके लिए आया है? 2016 में आया है। किगाली रवांडा का कैपिटल है, वहाँ पे ये अमेंडमेंट किया गया है। हम HFCs को लेकर आए थे CFCs को हटा के, तो हम CFC HCFCs को हटाकर HFCs लेकर आए थे। बट HFCs पता चला दे आर मोर इवन हार्मफुल गैसेस, ये ग्रीन हाउस गैसेस करती हैं, इनकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हैंस वी आर फेसिंग इट। इंडिया भी इसको 80-85% तक फेस कर देगा और ये पीक अटेंड करेगा उसके 4 साल पहले। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो हाँ चलिए, दैट इज देर इज अ प्रोटोकॉल साइन टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ CFC नोन एज। फिर से वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बट बार बार आता है, इस बार फिर से पूछ सकते हैं। CFC प्रोटोकॉल, IR प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या UV प्रोटोकॉल? आप बोलोगे मैम ऐसे क्वेश्चंस कौन पूछता है ना मैम, ये तो हमारी तोहीन है, हम इस सभा का क्या करते हैं, बॉयकॉट करते हैं, हम चले जाएंगे, ऐसे इजी क्वेश्चंस मत पूछा करो हमसे। यस, किगाली रैटिफाइड बाय इंडिया इन 2021, वेरी नाइस, अगस्त में किया था। हाँ चलिए चलिए, वेरी नाइस। 25th क्वेश्चन का आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो CFC के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेकर आए थे, आप सबको पता है ये बहुत सक्सेसफुल प्रोटोकॉल है अभी तक के समय का। इसमें CFCs जितने भी क्लोरीन फ्लोरीन वाले कंपाउंड्स केमिकल्स होते हैं, वी हैव टू रिमूव देम। ग्रीन प्रोटोकॉल इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ वॉट? ग्रीन प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ है? वेस्ट से, प्लांटिंग मोर ट्रीज से, रिड्यूसिंग CO2 एमिशंस, या प्रिवेंशन ऑफ इकोसिस्टम? जल्दी से आंसर करो, वी स्टिल हैव 8 to 9 minutes, वील ट्राई टू कवर 32 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन इफ एट ऑल। बहिष्कार कर दोगे? हाँ जी, बॉयकॉट नहीं करोगे, बहिष्कार कर दोगे सभा का, कोई बात नहीं, मत करो, चलता है, ईजी क्वेश्चन भी पूछने चाहिए। थैंक यू सो मच मधु, थैंक यू सो मच। आई होप आई एम सीइंग एवरी वंस डाउट्स। जितने भी बच्चों ने मुझसे बीच में डाउट पूछे मैं जवाब दे पाई, नहीं दे पाई तो मुझसे बाद में पूछ लेना। ग्रीन प्रोटोकॉल हरे पेड़ों से जुड़ा नहीं है, मोस्ट एक्सपेक्टेड इट्स फॉर द वेस्ट रिडक्शन। ठीक है, तो जितना भी वेस्ट मिनिमाइजेशन हम कर सकते हैं, आपको इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये अभी नए आए हैं 2021 में, इसको प्लीज़ देख लेना। इसमें प्लास्टिक का जो थिकनेस है वो चेंज की गई है सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में। सो आपसे इस प्रकार का करंट अफेयर पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल। ई वेस्ट मैनेजमेंट के भी कोई अमेंडमेंट रूल्स आए हैं तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। NAPCC वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? NAPCC कौन से साल में लागू हुआ था या लॉन्च हुआ था, नॉट लागू, लॉन्च हुआ था? 2007, 2008, 2010, 2011, अनदर लड्डू क्वेश्चन फॉर यू गाइस, क्विकली 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 क्विकली, जल्दी जल्दी आंसर दो। ओके, यस 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 यस, पेपर वन की पूरी क्लास करवाते हैं हम खादीजा खातून जी, बट आपको उसके लिए कोर्स लेना पड़ेगा प्रॉपर क्लासेस के लिए। 27 इज बी, 2008 में आया था और इसमें 8 सब मिशन्स भी हैं। ऐसे हमने याद किया था 2008 एंड इट हैज़ 2 सब मिशन्स। किसने लॉन्च किया था? प्राइम मिनिस्टर काउंसिल, PM काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, PM काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज ने इसको NAPCC को लॉन्च किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, आराम से देखना। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट दैट अ पार्टी में एमिट ओवर अ कमिटमेंट पीरियड, ठीक है, इज नोन एज पार्टीज असाइंड अमाउंट्स। सो अगर जितना एक देश एमिट कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको हम बोलते हैं असाइंड यूनिट। उस पार्टी को उतने असाइंड यूनिट हो जाते हैं, जैसे कि कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आपने समझा है, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट, टारगेट फॉर द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड क्या था? 3 ग्रीन हाउस गैस कवर कर रहा था, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। दीज टू स्टेटमेंट्स आर रिगार्डिंग क्योटो प्रोटोकॉल। जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। सो दिस इज इन इंग्लिश, दिस इज इन इंग्लिश, यस। बहुत धीरे धीरे आंसर मिल रहा है, तभी हमारे सेशन में भी थोड़ा सा विलंब हो रहा है ना, क्योंकि मिसमैच है टाइमिंग का।
कोर्स आई विल ट्राई टू कवर 40, बट क्या है, हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया, आपको समझाया भी, सारा रिवाइज करवाया, इसलिए थोड़ा सा 5-10 क्वेश्चंस कम हो सकते हैं, बट ट्राई टू जल्दी से आंसर. दोनों सही हैं. अच्छा, दूसरा गलत है. ओके ओके, चलिए. 28 का मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग है सी. लेट्स क्विकली सी. बिल्कुल सी है. दूसरा गलत है, क्योंकि 3 ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती, 6 ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं. ठीक है. सो हम जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एमिशन जो एक देश कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस पार्टी का असाइंड अमाउंट है. जैसे आपकी मम्मी ने आपको भी 1,000 रुपये दिए, आपके भाई को भी 1,000 रुपये दिए, दोनों को 1,000-1,000 रुपये दिए, ये आप दोनों का असाइंड अमाउंट है. आपको इतना ही खर्च करना है, इससे ज़्यादा करोगे तो पेनल्टी होगी. क्योटो प्रोटोकॉल में 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFCs, PFCs और HF6. प्लीज रिमेंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिकेड वॉज ऑब्जर्व बिटवीन वॉट. एक दशक है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन. वो कौन से दशक को हमने मनाया है? 1991, 2000, 71, 80, 65, 75 या 81 से 1990. क्विकली क्विकली. यस, सो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग द सेशन, प्लीज जल्दी से आंसर करिए, ताकि 35 इज द टारगेट. 35 क्वेश्चंस. यस, 40 नहीं तो 35 तो करेंगे. यस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी. 29 का आंसर है डी. 1981 से 1990 हमारा दशक हम मनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. इन्वायरमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नेवर ओवरलैप विथ ईच अदर. दो असेसमेंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं EIA, एक को हम बोलते हैं SIA. सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसा बोल रहा है स्टेटमेंट वन. दूसरा रीज़न क्या बोल रहा है, ये दोनों एक ही स्पेक्ट्रम के ऑपोजिट तरफ रहने वाली चीज़ें हैं. EIA एकदम अलग है SIA से. कैसा है? पहली बात तो मैम हमें यही नहीं पता EIA क्या होता है, तो बहुत गड़बड़ वाली बात है. UGC भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ चुका है रिगार्डिंग EIA, राइट? जल्दी से बताओ. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो आई होप यू ऑल आर गिविंग द आंसर फॉर द 30th क्वेश्चन. ओके, यस, जल्दी से इसका आंसर दो, हिंदी में देख लो. आंसर टू द 30th क्वेश्चन इज डी. चलो, ए सत्य लग रहा है आपको और बी असत्य लग रहा है. हिंदी में भी आई होप आपने देख लिया है. ओके, चलिए, वेरी नाइस. लेट्स सी, इसका बिल्कुल ए है. ए असत्य है, बी सत्य है. देखो क्या है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत एक पुराना इन्वेंशन है, 1970s में आया था US के द्वारा. सारे देशों, जो भी कोई नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कोई एक नया इंडस्ट्री लगने वाली है, ठीक है, कोई एक नया पावर प्लांट लग रहा है, कोई एक रेलवे का लाइन लगाई जा रही है, उससे आसपास की कम्युनिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो होता है SIA. लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है. दूसरा होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये आपका EPA जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, उसके तहत लाया गया है. इट इज़ टू असेस व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द न्यू डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ऑन द नियर बाय एरियाज एंड द इन्वायरमेंट, बीट वाइल्ड लाइफ, बीट बायोडाइवर्सिटी, बीट नेशनल पार्क, एवरीथिंग. दैट इज EIA के नए रूल्स आए हैं 2020 में, अमेंडमेंट रूल्स. आई हैव अ वीडियो ऑन YouTube, आप उसको देख लेना. आई हैव अ वीडियो ऑन यूट्यूब कि EIA के नए रूल्स कैसे अलग हैं पुराने रूल्स से. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSC दे रहे हो, PSCs दे रहे हो, UGC दे रहे हो, सबके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ द मेंबर कंट्रीज इन द इंटरनेशनल सोलार अलायंस आर बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन. जापान इज अ मेंबर कंट्री ऑफ ISA. आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है. जितने भी देश हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में हैं, ISA में. क्या जापान एक मेंबर कंट्री है? दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, जल्दी से आंसर दो. ये है हिंदी में और टाइमर शुरू होता है अब. यस यस, एक बज गया है और 1,000 से बच्चे नीचे जा गए. मे बी शायद आप लोगों की दूसरी क्लास होगी, मेरी भी दूसरी क्लास है, बट कोशिश करके एटलीस्ट वील सॉल्व टू मोर क्वेश्चंस. ठीक है,
31st क्वेश्चन का सब लोग बोल रहे हो सी है, तो जल्दी से देख लेते हैं। बिल्कुल सी है। सो आईएसए, आपको पता है आईएसए में कितने मेंबर नेशंस हैं? इसको हम सनशाइन कंट्रीज बोलते हैं। कंट्रीज जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के बीच में आती हैं, वो सारे देश आपके आईएसए में आते हैं। करंटली द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, पहले 121 मेंबर्स थे, ये बढ़ के 124 हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी कंट्रीज ने साइन किया है? हाउ मेनी कंट्रीज हैव साइंड इट? इट इज 89। 89 नेशंस हैव साइंड इट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और रेटिफाई कितने ने किया है? रेटिफाई भी अराउंड 68 कंट्रीज ने, या 72 कंट्रीज ने रेटिफाई किया है। क्लियर क्लियर। हाँ, व्हेन डिड इंडिया रेटिफाई साइट्स? इंडिया ने साइट्स को कब रेटिफाई किया है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशी, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशी, इंडिया ने साइट्स को कब रेटिफाई किया है? 20 जुलाई, 5 जून, 3 जून, और 5 जुलाई। आपको बेसिकली इसमें ईयर भी याद होना है। ईयर याद होगा तो आपकी मुसीबत थोड़ी सी कम हो जाएगी। अच्छा, टुडे इज़ फ्राइडे, यू मस्ट बी हैविंग योर प्रेयर, फ्राइडे प्रेयर, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। जितना सेशन अटेंड कर लिया है, बचा हुआ क्लास बाद में देख लेना। हम 35 क्वेश्चन करेंगे, 2-3 और करेंगे, ठीक है। येस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। इंडिया ने साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशी, मतलब जो भी गैर आधिकारिक तौर पे ट्रेड होती है, ठीक है, इलीगल ट्रेड होती है ऐसी स्पीशीज पे जो इंडेंजर्ड हैं, वो साइट्स कन्वेंशन है, ठीक है। इसको इंडिया ने कब किया था? ये आ गया था फोर्स 1975 में। इसको हम वॉशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं, वी कॉल इट एज वॉशिंगटन कन्वेंशन। इट वॉज ब्रॉट इन 1963। IUCN की एक मीटिंग में इसको लाया गया था। इंडिया ने रेटिफाई किया था 20 जुलाई 1976 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI? ये पिछली बार UGC ने भी पूछा था 2019 में। CCPI में इंडिया की रैंक कितनी है? 11वीं, 15वीं, 30वीं या 55वीं? जल्दी से आंसर करो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज पर द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ 2019? ओके, द आंसर फॉर द 33rd क्वेश्चन इज 11th, ठीक है। पहले 9th थी, फिर 11th हो गई, 11th से सॉरी 9th हो गई। इंडियाज रैंक 2019 में है 11वीं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है? कौन सा देश क्लाइमेट चेंज के लिए कितने कदम उठा रहा है, क्या आपने स्टेप्स लिए हैं, कितनी प्रोग्रेस आप में हुई है, ठीक है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड किसका इनिशिएटिव है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर और जनरली एज वेल। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये जो OSOWOG, दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री? इंडिया, चाइना, USA, फ्रांस। एक क्वेश्चन और बचा है, फिर आप लोग जा सकते हो। ओके, यस यस, 34th का आंसर क्या है? थोड़ा सा लेट मिल रहा है, बट द 34th आंसर इज इंडिया। ये आपका ISA का पार्ट है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली सेटअप बाय न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, और ये इंटरनेशनल सोलार अलायंस के तहत ही इंडिया ने बोला था, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, रिसेंटली विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन सनस्क्रीन? कौन सा देश हाल ही में सनस्क्रीन बैन करने वाला पहला देश बना है कोरल रीफ के प्रोटेक्शन के लिए? बिकॉज सनस्क्रीन में टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, जो कि कोरल रीफ को ब्लीच करता है। ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ होती है, अत्यधिक केमिकल्स होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पलाओ या मालदीव्स? क्विकली 35, अभी तक लोग 32 का ही आंसर दे रहे हैं, हम आ चुके हैं 35वें क्वेश्चन पे, जल्दी से आंसर दो। ओके ओके, जो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं 15, वो हम कभी और कर लेंगे। 15 नहीं, 10, 5-6 क्वेश्चंस ही बचे हैं, वो हम अगले सेशन में कर लेंगे। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पलाओ। पलाओ रिसेंटली बिकेम रिपब्लिक ऑफ पलाओ, जिन्होंने बैन कर दिया है टॉक्सिक सनस्क्रीन जो ऑक्सीबेंजोन और
ऑक्सीटीनोजैट कंटेन करते हैं, दैट हैज़ बीन बैंड. ठीक है, सो थैंक यू सो मच, दिस वॉज इट. आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम नाउ, आप लोग दूसरी क्लास अटेंड करने जा सकते हैं. दिस वॉज दीज वर द 35 questions ऑन प्रोटोकॉल्स. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन और बचे हैं, वो मैं अगली क्लास में ले लूँगी. मुझे स्कोर बताना, हाउ मच डिड यू स्कोर. ठीक है, आज मिनी सीरीज़ की लास्ट क्लास है 5:30 पे, जो कि बायजूस ऐप पे होगी. तो प्लीज़, इट्स अ ओनली ऐप स्पेसिफिक क्लास, उसमें भी हम बहुत सारे अच्छे लेवल के एनवायरनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. राइट, सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, हाउ डिड यू लाइक द सेशन, कैसा लगा, और लाइक कर देना अगर तक नहीं किया हो, और अभी भी शेयर कर सकते हो. ठीक है, इनफैक्ट इफ़ यू वॉन्ट टू डिसलाइक ऑल्सो डू इट, बट डू लेट मी द रीज़न कि मैम क्या नहीं अच्छा लगा, आज मज़ा नहीं आया, आज कुछ कमी थी, ये कमी पेशी रह गई, अगली बार आप इसको थोड़ा सा पूरा कर लेना. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, आई हैड अ लॉट ऑफ फन एंड आई होप यू लर्न्ड अ लॉट, आपका काफ़ी सारा रिविजन हुआ होगा. वील मीट सून अगैन. संडे को 6 बजे मेरा सेशन है, संडे को 6 बजे आई विल बी कमिंग लाइव ऑन यूट्यूब, उसके बाद मंडे को तो हम मिलते ही मिलते हैं. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज.